हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पीपीएफ के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बोलूँगा। पीपीएफ अकाउंट में बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इस अकाउंट पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस डिसएडवांटेज के बारे में जानना चाहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह बैंक और पोस्ट ऑफिस का सभी तरह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। सबसे पहले, नो जॉइंट अकाउंट्स आर अलाउड इन पीपीएफ। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंगल अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कीम पर जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप चाहे तो नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन फैसिलिटी इस अकाउंट पर अवेलेबल है। तो इस अकाउंट पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, सिंगल अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। ये एक पीपीएफ अकाउंट स्कीम का डिसएडवांटेज है। तो उसके बाद, यू कैन नॉट विदड्रॉ फ्रॉम योर पीपीएफ अनटिल द कॉम्प्लीटेशन ऑफ सिक्स फिनेंशियल ईयर। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट का सिक्स ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप उस अकाउंट से पार्शियल विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो इनिशियली इसका पार्शियल जो लॉक इन पीरियड वो है सिक्स ईयर्स के बाद भी आप 50% तक इस अकाउंट से पार्शियल विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स, इसका लॉक इन पीरियड ज़्यादा है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद ये अकाउंट फुल्ली मैच्योर होता है, उससे पहले आपको इस अकाउंट मैच्योर नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह वीडियो पाने के लिए। तो उसके बाद, यू कैन इन्वेस्ट ओनली 1.5 लाख पर ईयर। इस अकाउंट पर आप एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये तो ये भी एक पीपीएफ अकाउंट का डिसएडवांटेज है। तो अकाउंट खोलने से पहले आपको ये भी जानना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।